राजधानी लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने एमके न्यूज से खास बातचीत में कहा कि 13 मार्च को कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करेंगे। प्रदेश में कुछ दिन पहले मां बेटी को जिंदा जला दिया गया था, उसमें कुछ नहीं हुआ, उन्नाव में बच्चों के साथ अत्याचार हुआ। इन तमाम मुद्दों पर प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए, सर आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिस तरीके से 13 तारीख को राजभवन का घेराव करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? हम मुद्दे हैं महंगाई के, मुद्दे हैं बेरोजगारी के, मुद्दे हैं अन्याय अत्याचार के, मुद्दे हैं किसानों के। अभी हाल ही में घरेलू गैस के जो दाम बढ़ाए गए हैं, कॉमर्शियल पे 350 रुपये और घरेलू पे 50 रुपये, और जो रोज़मर्रा की खाद्य वस्तुएं हैं इनके जो रेट बढ़े हैं, इनको लेकर के हम लोग कांग्रेस के लोग इस सरकार के सामने जा कर के, राजभवन में जा कर के, राज्यपाल महोदया के सामने इन सारे मुद्दों को रखेंगे। और इसमें जितने भी साथी हैं वो सब बड़ी संख्या में पहुंच करके हमारी इस लड़ाई में शामिल होकर के अपने अपनी ताकत दिखा करके सरकार को ये आगाहित कराना चाहते हैं कि इन सारी मुद्दों को सुनिए, समझिए और राहत कैसे मिले ये करिए। कल आयोग के सदस्यों ने योगी को रिपोर्ट सौंपी है ओबीसी आरक्षण को लेकर, उसमें एक फ़ोटो वायरल होती है जिसमें कि जो आयोग के सदस्य हैं वो चप्पल पहने नहीं हुए होते हैं, तो इस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है, किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? नहीं, ये तो उस आयोग के उन सदस्यों का और आयोग के चेयरमैन का मामला है, वो जूता उतार के क्यों गए हैं? क्या मंदिर था वो, क्या मस्जिद थी, क्या था यार? ये तो एक विधानसभा के अंदर होंगे या अपने कालिदास मार्ग पर होंगे, तो वहाँ पे जूता उतार के जाने का मतलब नहीं बनता है, जबकि दूसरे लोग वहाँ जूता पहन के खड़े हैं जैसा ट्वीट में देखा है फोटो में, तो ये तो सरासर गलत है। और जो रिपोर्ट देने वाली टीम है ये हीन भावना की शिकार है, क्या रिपोर्ट दी होगी वो तो भगवान ही मालिक है, सर्व होने दो, सार्वजनिक होगी उस पर चर्चा करेंगे। तो ये मेरे साथ तो ब्रजलाल खाबरी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने सीधे साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार तरीके से आरक्षण के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है, 13 तारीख को लेकर गरीब और बेसारों को जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन आयुष के साथ अविनाश, एमके न्यूज।